Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning WordPress theme development tutorial from scratch, and this is part 14th of this video session series in which we are going to learn about header and footer function setup. Okay, and if you are a beginner, then please don't forget to subscribe our YouTube channel, and also you can watch our previous video session to make the clear vision about WordPress theme development tutorial. सो हम इस वीडियो सेशन में गाइस जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में फोल्डर बनाया था और अपने कस्टम थीम को सेट किया था ओके उस कस्टम थीम के अब हम हेडर एंड फुटर सेक्शंस के सेटअप करने वाले हैं और अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट करी है गाइस तो मैं बता दूं हमने पिछले वीडियो सेशन में एक HTML थीम डाउनलोड करी थी ये रही वो थीम ओके और इस थीम को हमने डाउनलोड करने के बाद हमने अपने एक वर्डप्रेस के फ्रेश इंस्टॉलेशन में उस फोल्डर स्ट्रक्चर को सेट किया था ओके लेकिन फिलहाल हमने अभी तक कोई भी इसकी HTML फाइल को रीड करके उसे अपने मींस सेटअप में इंपोर्ट नहीं किया है ओके हमने जो सेटअप बनाया है सिंपली उसमें हमने अपने थीम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में ये रही हमारी वो थीम और इस थीम में जो हमने अभी तक किया हुआ वो ये कि उसके index.php फाइल में हमने पोस्ट रीड करने के कोड्स लिखे हुए हैं ओके जहाँ बेसिक हमने 3 फंक्शंस वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हमने यूज़ किए हुए हैं लाइक गेट टाइटल इसके लिंक के लिए हमने गेट परमालिंक यूज़ किया हुआ है एंड कंटेंट के लिए द कंटेंट ओके तो हम इसके आगे वाले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे लाइक हेडर एंड फुटर फंक्शंस को कैसे सेट करें क्योंकि जो हमने थीम डाउनलोड किया हुआ गाइस इसके अकॉर्डिंग हमें अब इसके हेडर सेक्शंस मीन्स इसके सोशल नेविगेशन बार इसके मेन्यू सेक्शन साथ ही साथ इसके फुटर सेक्शंस ओके इन सारे को हम इस वीडियो सेशन में सेट करेंगे ओके सबसे पहले गाइस इसे सेट करने के लिए हमें इसके सारे CSS फाइल को अपने स्ट्रक्चर में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसे style.css bootstrap.css जितनी भी CSS फाइल्स इसने यूज़ करी होंगी उन सारे फाइल्स को हमें पहले इंपोर्ट करना होगा ओके सारे एसेट्स फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हम एक्चुअली इसके थीम की फंक्शनैलिटी को रीड कर पाएंगे ओके मैं जाऊँगा अपने क्रिएटेड फोल्डर के अंदर OWT थीम इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा header.php ओके अब इसके अंदर हमें कंटेंट लिखना है तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने थीम फोल्डर के अंदर जहाँ पर मैंने वो HTML थीम डाउनलोड करी हुई है ओके और ये है वो HTML थीम तो अब मैं इस HTML थीम के अंदर मैं ओपन करूँगा index.html फाइल ओके तो मैं इस कमेंट सेक्शन को रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये हमने टेम्पलेट डाउनलोड करी हुई है इन्होंने अपना डिटेल दिया हुआ है ओके रिमूव करने के बाद अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो ये हेड सेक्शन हमें चाहिए अपने हेडर के अंदर ओके साथ ही साथ इस बॉडी सेक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो हमें इसके कुछ और सेक्शंस को रीड करना होगा ओके तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन सारे कंटेंट्स को मैं कॉपी कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा और header.php फाइल में पेस्ट कर दूँगा ओके तो ये है वो कोड गाइस जो कि हमने कॉपी किया हुआ index.html फाइल से सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन सेक्शंस को मैं रिमूव करूँगा मीन्स कट कर लूँगा मैं यहाँ से इन्हें कट करने के बाद मैं इसे एक अलग से फाइल में पेस्ट कर दूँगा क्योंकि हम इन फाइलों को अपने functions.php फाइल के थ्रू कॉल करने वाले हैं ओके तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फाइल के अंदर और उसके बाद मैं इस हेड पेज के अंदर अगर मैं इसे रिमूव करूँ कमेंट को ऐसे और इन सेक्शंस को भी अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से ओके रिमूव करने के बाद ये कमेंट सेक्शन बच गई हमारी इसे मैं रिमूव कर दूँ उसके बाद ये हमें चाहिए सोशल लिंक्स ये रहे हमारे हेडर के उसके बाद सोशल लिंक्स के बाद ये हमारे नेविगेशन बार ओके तो आई थिंक इसे मैं रिमूव करना होगा और ये हेडर हमारा अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ इस कमेंट को बैक के होम और ये रही हमारी नेविगेशन बार ओके जहाँ पर हमारे होम रूम्स गैलरी एंड डाइनिंग तो हमें इसकी नेविगेशन बार तक की कोड हमें अपने header.php फाइल में रखनी है ओके मीन्स ये इस पूरे सेक्शन को हमें रखना होगा लाइक हेडर ओके तो मैं इस हेडर टैग पे जाऊंगा और मैं इस सेक्शंस कोड के सेक्शंस को मैं रखने वाला हूं अपने header.php फाइल पे और साथ ही साथ सोशल लिंक्स को भी ओके मीन्स हम इस टॉप हेडर को रखने वाले हैं तो मैं इतने कोड को मैं कॉपी कर लूँगा ओके कॉपी करने के बाद इन सारे सेक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा और मैं पेस्ट कर दूंगा उस सेक्शन को जो कि मैंने कॉपी किया हुआ था ओके तो ये है वो सारे header.php फाइल के कंटेंट्स
अब हमें अपने इस हेडर और पीएचपी फाइल में उन चीज़ों को डायनेमिक करनी है जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं इसे रिमूव करूँगा, रिमूव करने के बाद मैं लिखूँगा लाइक इको लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। ओके, आप इस वर्डप्रेस की फंक्शन को रीड करके लैंग्वेज इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपने अगर थीम पे जाऊँ और अगर मैं इस सेक्शन को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के पहले अगर मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल पर जाऊँ और अपने हेडर सेक्शन को इंक्लूड करूँ, ओके, जो हेडर सेक्शन हमने डिफाइन किया हुआ, तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगी हमारी गेट हेडर। ओके, तो मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल यू और मैं इसके सोर्स कोड पर जाऊँ, तो ये रहे हमारे वो सारे कोड्स जो कि हमने लिखा हुआ है। ओके, और ये रही हमारी लैंग्वेज एल ई एन इजक्ल टू ई एन यू एस। ओके, और ये एट्रीब्यूट गाइज हमने डायनेमिक अपेंड किया हुआ है इस एचटीएमएल के साथ। ओके, और उसके लिए हमने जो मेथड यूज़ किया हुआ है वो है मेथड हमारी लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। ओके, साथ ही साथ हम इस कैर सेट को भी डायनेमिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसे रिमूव करूँगा, पी एच पी ई को, और उसके बाद जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा हमारा गेट ब्लॉग इन्फो फंक्शन। गेट ब्लॉग इन्फो फंक्शन में जो मैं पैरामीटर पास करूँगा वो होगा हमारा कैट सेट। ओके, मैं इसे सेव करूँ, इसे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये रही हमारी यू टी एफ एट। ओके, चूँकि हमें डायनेमिक ऐड किया हुआ, साथ ही साथ हमें इसे टाइटल को भी डायनेमिक करना है, तो मैं इसे रिमूव कर दूँगा और मैं लिखूँगा लाइक इको गेट ब्लॉग इन्फो गेट ब्लॉग इन्फो, और मैं इसके अंदर पास करूँगा टाइटल सॉरी नेम। ओके, और मैं इसी सेक्शन को वापस से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन के साथ इसे अपेंड करूँगा। ओके, मैं लिखूँगा लाइक डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मैं अगर सेव कर दूँ और मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश करूँ, तो ये रही हमारी टाइटल और ये रही हमारी डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मैं अगर अपने सेटिंग्स में जाऊँ लाइक सेटिंग्स जनरल, इस सेटिंग के अंदर अगर मैं चेंज करूँ लाइक लर्न वर्डप्रेस की जगह पर मैं लिखूँ लाइक ऑनलाइन वेब ट्यूटर और दिस इज सिंपल टू लर्न। ओके, तो हमने इसके टैगलाइन और टाइटल को चेंज कर दिया हुआ और मैं अब सेव कर दूँगा। ओके, सेव चेंजेस। तो मैं अगर वापस से इस सोर्स कोड को मैं अगर रिलोड करूँ, तो ये रहे वो टाइटल और ये रहे उसके टैगलाइन। ओके, तो बेसिकली ये सेट्स हमने अपने डायनेमिक अपने एडमिन पैनल से किया हुआ है। तो नाउ वी हैव मेड डायनेमिक। ओके, तो इन सारी चीज़ों गाइस हमने डायनेमिक कर दिया हुआ है। साथ ही साथ अब हमें अपने इस नेविगेशन बार सोशल लिंक्स को भी डायनेमिक करना होगा। ओके, लेकिन इन सेक्शंस को डायनेमिक करने से पहले गाइस मैं अपने फंक्शंस डॉट पी एच पी फाइल में पहले उन स्टाइल शीट्स को सेट करूँगा जिनको हमने कॉपी किया हुआ था। ओके, और ये रहे वो स्टाइल शीट फाइल्स। तो पहले इन फाइलों को मैं कॉल करूँगा अपने फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल के थ्रू। ओके, मैं जाऊँगा अपने एडिटर पे और मैं ओपन करूँगा फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल विद इन पी एच पी टैग्स। मैं बनाऊँगा एक फंक्शन लाइक फंक्शन ऑनलाइन विद ट्यूटर स्क्रिप्ट्स। ओके, और फाइनली इस फंक्शन को मैं एक्शन हुक के जरिए अटैच करूँगा लाइक एड एक्शन WP in क्यू scripts। ओके, और जो सेकेंड पैरामीटर हमें देना हुआ है वो इस फंक्शन की नेम, इस नेम को मैं कॉपी कर लूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इस फंक्शन के अंदर अब हम अपने स्टाइल शीट्स फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को सेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टाइल्स को डिफाइन करूँगा, उसके बाद मैं इसके स्क्रिप्ट को डिफाइन करूँगा। ओके, मीन्स हम उन फाइलों को सेट करने वाले हैं जिन फाइलों को हमने वहाँ से कॉपी किया था, और ये रही हमारे स्टाइल शीट्स फाइल्स यहाँ से यहाँ तक इन लिंक टैग ऑन इन यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, ये हमारे पास जेएस के स्क्रिप्ट है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम इस फाइल में अब ऐड करने वाले हैं। तो स्टाइल शीट फाइल को अगर अटैच करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डब्ल्यू पी इन क्यू एस स्टाइल। ओके, ये उसके बाद अगर हमें स्क्रिप्ट ऐड करना हो तो हम यूज़ करेंगे डब्ल्यू पी इन क्यू स्क्रिप्ट। ओके, तो हम इन दोनों फंक्शन के हेल्प से हम अपने स्टाइल शीट फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हम यूज और ऐड करेंगे।
सबसे पहले पैरामीटर हमें देना है जो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर सप्लाई करनी है वो हमारी हैंडल नेम, मीन्स हम कौन से फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू ऐड टू द स्टैप मेन डॉट सी एस एस पहले। ओके, तो मैं कॉपी करूँगा इसके नेम को और पेस्ट कर दूँगा। मीन्स हम बूटस्ट्रैप को फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं, तो उसके नेम को मैं कॉपी कर लूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, सेकेंड पैरामीटर है कि हमें इसके पाथ को पास करना पड़ेगा। ओके, तो हमारी ये जो फाइल है वो हमारी फाइल हमारे जो HTML डाउनलोड करी थी उसके अंदर है। तो मैं सबसे पहले इन सारे एसेट्स फाइल को फोल्डर्स को मैं कॉपी कर लूँगा। एसेट्स फोल्डर को कॉपी करने के बाद मैं अपने थीम फोल्डर में जाऊँगा और उस सारे को पेस्ट कर दूँगा। ओके, हमने पेस्ट कर दिया हुआ। पेस्ट करने के बाद अब हमें जो पाथ पास करना है वो हमारे टेम्पलेट डायरेक्टरी, मीन्स जो हमारी थीम है, थीम डायरेक्टरी के अंदर हमें वो CSS फोल्डर के अंदर मिलेगी, लाइक बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS। ओके, मीन्स वो जो पाथ है वो हमारी थीम डायरेक्टरी होगी, यहाँ पर थीम डायरेक्टरी के बाद CSS फोल्डर एंड बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS। ओके, तो हम PHP के एक फंक्शन को यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी थीम के डायरेक्टरी को गेट कर सकते हैं, और वो फंक्शन होगी हमारी लाइक गेट थीम डायरेक्टरी URI। ओके, इट्स नॉट थीम गाइज, ये टेम्पलेट। ओके, तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, तो इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे अपने टेम्पलेट के पाथ को गेट करने के लिए। अब हमने टेम्पलेट के पाथ को गेट कर लिया हुआ है, तो अब हमें जाना है अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। ये हमारी पाथ मिल चुकी है, अब मैं जाऊँगा CSS फोल्डर के अंदर। ओके, स्लैश CSS स्लैश और फाइल की नेम, मैं जाऊँगा अपने CSS फोल्डर के अंदर और इसके नेम को मैं कॉपी करूँगा। ओके, कॉपी कर ली मैंने, कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये है बेसिकली हमने अपने थीम के अंदर, हमने अपने फंक्शन के हेल्प से हमने बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS फाइल को ऐड कर लिया हुआ। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो होगी इस फाइल की डिपेंडेंसी। तो हमारे फिलहाल इसकी इस फाइल कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ूंगा। और नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमें वर्ज़न नंबर पास करना है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल हो वो हमारी वर्ज़न 1.0। ओके, वैसे ये सब पैरामीटर्स ऑप्शनल है, आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो मैं सेव करके अगर अपने थीम के स्ट्रक्चर को मैं रिफ्रेश करूँ और इसके सोर्स कोड को मैं रिफ्रेश करूँ, तो अब वो फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमें अपने इस सोर्स कोड में मैं यूज़ करूँगा फंक्शन अपने हेडर पे लाइक WP हेड। ओके, इस फंक्शन को यूज़ करते ही आप जितने भी आपने फंक्शन डॉट PHP फाइल में आपने ऐड करी हुई है फंक्शनैलिटी हेडर सेक्शंस के लिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली हमने जो ये स्क्रिप्ट्स ऐड करी हुई है ये हमारे हेडर सेक्शन के लिए है, तो वो अपने आप इस फंक्शन के हेल्प से ऐड हो जाएंगे। ओके, मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स और हमारे पास एक एरर है लाइक मिसिंग आर्गुमेंट 1 WP InQScript। ओके, क्योंकि हमने InQScript अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग एन एरर। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं इस फंक्शन को कमेंट कर दूंगा। ओके, और वापस से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो WP हेड ऐड करते हुए गाइस फंक्शन जो कि हमने ऐड किया हुआ है, इस फंक्शन के ऐड करते हुए वर्डप्रेस भी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स ऐड करती है जो कि डिफाइंड होते हैं। ओके, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आप इतने सारे कोड्स आपने ऐड नहीं किए तो कहाँ से आए। ओके, ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट ऐड करती है WP हेड फंक्शन को यूज़ करती है। और ये रही हमारी बूटस्ट्रैप फाइल जो कि हमने ऐड किया हुआ है। ओके, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये है हमारा OWT वर्डप्रेस सेटअप जो हमने बनाया हुआ है। WP कंटेंट फोल्डर थीम्स के अंदर ये रही हमारी OWT थीम। ओके, जो कि हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हमारे CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS, और ये रही हमारी वर्जन नंबर जो कि हमने पास किया हुआ है 1.0। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करूँ तो ये हमारे स्टाइल शीट फाइल है जो कि हमने अटैच किया हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से गाइज आपको इन सारे फाइलों को अटैच करना है अपने उस फंक्शन डॉट PHP फाइल में। ओके, लाइक फॉन्ट ऑसम के अंदर मेन डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS, एंटोनियो स्टाइल सी डॉट CSS, इन सारे स्टाइल्स को आपको अटैच करना है। ओके, तो हम इन फाइलों को अटैच करेंगे
तो अटैच करने के लिए गाइस बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे हमने अपने पहले स्टाइल शीट को ऐड करी थी। ओके, तो मैंने बिहाइंड द सीन गाइस इन सारे स्टाइल्स को उसी तरीके से उसी मेथड से मैंने उन सारे फाइल्स को अटैच करी जो कि हमने देखा हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की फाइलों को अटैच कर दी हुई है। अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो कि हमें इन स्क्रिप्ट फाइल को अटैच करनी है। ओके, तो स्क्रिप्ट को अटैच करने के लिए जो हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ था wpnqscript, इसे मैं अनकमेंट करूँगा और मैं फाइल के नेम पास करूँगा जैसे हमें अटैच करना है, लाइक jquery_main.js। ओके, मैं लिखूँगा लाइक jquery.main.js। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमारी टेम्पलेट डायरेक्टरी, मैं यूज़ करूँगा गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। ओके, और जो नेक्स्ट हमें करना है वो हो गया हमारी स्लैश, और जो फोल्डर है वो हमारी जेस फोल्डर के अंदर है। ओके, मैं पास करूँगा जेस एंड jquery.main.js। ओके, नेक्स्ट डिपेंडेंसी एंड नेक्स्ट इट्स वर्जन नंबर लाइक 1.0। हमने अपने jquery.main.js को इंक्लूड कर लिया हुआ। अगर मैं उसे चेक करूँ तो मैं जाऊँगा अपने बैकएंड पे और इस कोड को रिलोड करूँगा। ओके, रिलोड करते ही गाइस अगर आप कोड चेक करो तो ये रही हमारी वो सारे फाइलें जो हमने अटैच की हुई है, ये हमारे स्टाइल शीट्स फाइल, ये रही हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, jquery.main.js। इसी तरीके से हमें अपने सारे जेएस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जो हमने कॉपी किया हुआ था। ओके, तो मैंने बिहाइंड द सीन मैंने वो सारे कोड्स किए हुए हैं, टाइम सेव करने के लिए मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो हमारी जो bootstrap.main.css फाइल थी, सॉरी जेएस फाइल, लाइटबॉक्स प्लस इंस्टा फीड एंड कस्टम जेएस। ओके, तो आपको इसी कोड्स को गाइस आपको इसी तरीके से इंक्लूड करना है अपने इस फाइल के अंदर। ओके, तो हमने अपने सिमिलर वे से हमने अपने स्टाइल शीट्स फाइल और स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लिया हुआ है। ओके, और मैं अगर अपने कोड को रीलोड करूँ तो ये रहे वो कोड्स। ओके, और मैं फ्रंट एंड पे जाऊँ और अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँ तो सक्सेसफुली हमने अपने सोशल नेविगेशन बार एज वेल एज हमने मेन्यू सेक्शंस को इंक्लूड कर लिया हुआ है। ओके, इसकी स्टाइल शीट्स की जो कॉलम आ रही है गाइस जो कि मार्जिन टॉप है, इसे हम फिक्स बाद में करेंगे। ओके, और इसकी सेटिंग्स को हम थोड़ा सा और बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपने फुटर सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो मैं जाऊँगा इसके index.html फाइल पे और इसके index.php फाइल पे मैं सर्च करूँगा फुटर। ओके, और ये रही फुटर सेक्शन, तो मैं इस सेक्शन से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं html तक सबको कॉपी कर लूँगा और मैं अपने एडिटर पे footer.php फाइल ओपन करूँगा। ओके, और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अगर हमें जो रिमूव करना है वो यहाँ से एक कमिट रिमूव करना है। ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये रही हमारी फुटर फाइल। ओके, अब इस फुटर फाइल को हमें अपने index.php फाइल पे इंक्लूड करना है। सो इंक्लूड दैट फाइल विच वी हैव टू यूज़ गेट फुटर फंक्शन। ओके, गेट फुटर फंक्शन, इस फंक्शन को यूज़ करते ही गाइस आप अपने footer.php फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। ओके, मैं अगर इसे रिफ्रेश करो तो ये रही हमारी फुटर फाइल। ओके, तो सक्सेसफुली गाइस हमने अपने हेडर सेक्शंस के स्टाइल शीट्स के जरिए हेडर सेक्शन को इंक्लूड किया जो कि दो सेक्शंस कंटेन करते हैं, लाइक सोशल नेविगेशन बार एंड मेन्यू सेक्शन, एज वेल एज हमने अपने मीन्स फुटर सेक्शन को इंक्लूड किया। साथ ही साथ ये वो कंटेंट्स हैं जिनको हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में पोस्ट को गेट किया था अपने डेटाबेस के में। ओके, तो बेसिकली गाइस हमने इस वीडियो सेशन में हमने अपने हेडर सेक्शंस और फुटर सेक्शंस को सेट किए, साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और स्टाइल शीट्स को सेट करेंगे जिसकी वजह से इसकी जो थोड़ी सी CSS बिगड़ी है वो हम इसे ठीक करेंगे। ओके, तो जो आपको याद रखने वाली बात है गाइस वो ये कि सबसे पहले आपको index.html फाइल ओपन करनी है, उसके हेडर सेक्शन को ओपन करके वहाँ से उसे कट करना है और अपने header.php फाइल में पेस्ट करना है। ओके, और वर्डप्रेस के मीन्स डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को यूज़ करके इसे डायनेमिक यूज़ करनी है, लाइक लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स, गेट ब्लॉग इन्फो, कैरसेट, गेट ब्लॉग इन्फो एंड द टाइटल एंड द टैग लाइन। ओके, और wp head फंक्शन को यूज़ करते ही आप उन सारे स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स को अटैच कर सकते हो अपने हेड सेक्शंस पे जो कि हमने यूज़ करने हैं। ओके, तो बेसिक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके गाइस हमने अपने मीन्स हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन को सेट किया।
ओके, नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और हम देखेंगे इस थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.